सिंहों ने उम्र भर तलवारों के गीत गाए हैं, उनके शब्द लहू के होते हैं। लहू लोहे का होता है, लहू लोहे का होता है, लहू लोहे का होता है। जो मौत के किनारे जीते हैं, उनकी मौत से जिंदगी का सफर शुरू होता है। जो मौत के किनारे जीते हैं, उनकी मौत से जिंदगी का सफर शुरू होता है। जिनका खून पसीना मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी में जाकर उभरता है। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द। भारत जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए, बाकी सारे शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। इनके शब्द जंगलों और पहाड़ों के उन घुमंतुओं से हैं, जो आज भी वृक्षों की परछाइयों से अपना वक्त मापते हैं। उनके लिए जिंदगी एक परंपरा है और मौत के अर्थ है मुक्ति। भारत मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द। भारत खेल 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 में खेल उसाती खेल खेल में खेल 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 में खेल उसाती खेल खेल में खेल खेल शोषितों का खेल है साथी रोटी का ये खेल खेल शोषितों का खेल है साथी रोटी का ये खेल खेल शोषितों का खेल है साथी भूखों का ये खेल 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 में खेल उसाती का लिया। अरे ये क्या घटिया सिस्टम है। अरे ये खेल ही तो दर्पण है। सिस्टम सिस्टम दर्पण दर्पण सिस्टम सिस्टम दर्पण दर्पण मौत का है ये मातम मातम मौत का है ये मातम मातम सिस्टम सिस्टम दर्पण दर्पण सिस्टम सिस्टम दर्पण दर्पण मौत का है ये मातम मातम मौत का है ये मातम मातम मौत विरक्त बच्चे हमारे। ये लाशों का बाजार है क्यों? इन लाशों पर तकरार है क्यों? जीने का यहाँ कोई मोल नहीं, मर जाने का एक लाख क्यों? जंगल काटो, जमीन बांटो, नदियाँ बेचो। 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 बेचो 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 देश भी बेचो, देश भी बेचो, देश भी बेचो, देश भी बेचो। मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूँ, मुझ में भी आग है, लेकिन वो भबक कर बाहर नहीं आती, क्योंकि उसके चारों ओर चक्कर काटता हुआ पूंजीवादी दिमाग है। गली मोहल्ला गांव शहर, गली मोहल्ला गांव शहर, करते हैं ये खेल हम, करते हैं ये खेल हम। आवाज उठाते, सच दिखाते, आवाज उठाते, सच दिखाते, मिट्टी का ये खेल हम, मिट्टी का ये खेल हम। खेल खेल में खेल बसाती, खेल खेल में खेल 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 में खेल बसाती, खेल खेल में खेल 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 में खेल बसाती, खेल खेल में खेल। खुशखबर 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 शहर के पुलिस थानों के लिए खुशखबर। पुलिस थानों के लिए? हाँ, पुलिस थानों के लिए। आज के अखबारों की सुर्खियाँ। संदेश, चोरी करनाल में चारों युवकों ने पुलिस से पकड़ी पाया। गुजरात समाचार, लूट करता बेकुखा नपेरो ठार। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टू पार्टीज अरेस्टेड इन मल्टीपल रॉबरी अटैक। राजस्थान पत्रिका, आज सात साथियों को चोरी करते पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। शहर का एक पुलिस थाना। घुमक्कड़ों का क्या करूं? अबे गधे, तुझे हवलदार किसने बनाया है? एफआईआर दर्ज कर, एफआईआर। जी साहब,
लेकिन इन पर दफा कौन सी लगाऊं? दफा 394 और दफा 395 इन्हें घुमक्कर लोगों के लिए तो बनाई गई है जी साहब। और हाँ, इन घुमक्कड़ों के बारे में शहर के सभी पुलिस थानों में वायरलेस कर दो। मैं जरा बड़े अफसर से मिलकर आता हूँ। जी साहब। गुड इंस्पेक्टर पटेल, गुड। अगर आप जैसे अफसर इसी तरह से अपना काम करते रहे तो इस शहर में से क्राइम रेट कम हो सकता है। थैंक यू सर। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इस जहरीले पेड़ जैसे घुमक्कड़ों को चार समेत उखाड़ सकता हूँ। शहर में से क्राइम रेट कम करने के लिए परमिशन ग्रांटेड। परमिशन ग्रांटेड। परमिशन ग्रांटेड। परमिशन चोरी कबूल करता है कि नहीं?
फैक्ट्री छोड़ देने की तैयारी कर रहा हूं। कोई चोरी नहीं किया साहब, सबने कोई चोरी नहीं किया साहब, सबने कोई चोरी नहीं किया साहब, सबने मर गया साला। आपको क्या हुआ? मर गया तो क्या हुआ? ये मर्डर केस नहीं, ये सुसाइड है। लिखना, एक साले साबर ने जेल में गले में गमछा डालकर आत्महत्या की है, ये सुसाइड है। चलो बोल रही है और आप लोगों से चिक चिक करने की सवाल कर रही है कि आखिर मेरा गुनाह क्या था। अरे अरे, हम तो सिर्फ पान खा रहे थे, क्या हमारे लिए पान खाना भी गुनाह है? अरे कोई तो मेरे पति को बचाओ, ये लोग उसे मार डालेंगे। मेरे बच्चे यतीम हो गए, मेरी बीवी बीमा हो गई, अब मेरे बाद उनका क्या? भाई साहब आप तो मेरी मदद करो। भाई साहब, बहन जी आप तो मेरी मदद करो। बहन जी मेरे पति ने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ पान खा रहे थे, क्या हमारे लिए पान खाना भी एक गुनाह है? मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही था कि मैं एक आदिवासी था, एक टीएनटी। मेरे पति ने जेल में गले में गमछा डालकर आत्महत्या कर ली है। जल्द से जल्द तेरे पति की लाश को जला दे हमारे सामने, समझिए? गमछा? उधर तेरे पास तो गमछा था ही नहीं, तो फिर अरे सत्यानाश जाए तुम लोगों का, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाए, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाए। क्या बिगाड़ा था मेरे बुद्धा ने तुम लोगों का? अरे सत्यानाश जाए तुम लोगों का, मेरे बुद्धा को मार डाला, मार डाला रे बुद्धा रुचोड़ा। राम नाम सतरे हाय हाय, राम नाम सतरे हाय हाय, राम नाम सतरे हाय हाय, राम नाम सतरे हाय हाय। उसके बाद तो आज जनाजा इसका, ये मुर्दा कहीं ना बोल पड़े, ये मुर्दा कहीं ना बोल पड़े। Hi, hi, Ram Ram Satre, hi, hi, Ram Ram Satre, hi, hi, Ram Ram.
के अंदर आ जाएंगे। देख क्या बाहर निकल, वरना तेरे घर को आग लगा देंगे। एक दो साला दारू का धंधा करता है, ऊपर से गांव वालों की मुखबरी करता है। देख क्या साले बाहर निकल, मैं कहां घुस गया क्या, अपनी बीवी की खबरी में घुस गया साले। और दादा मुझे तो पता चला है कि ये पवार नहीं साला पारधी है। गांव वालों ने बहुत मारा गांव वालों ने। तनु साला अपना जिंदगी भी कैसा कुत्ता के माफिक हो गया है। माँ बाप अपनी जिंदगी भीख मांग के मर गए और अपुन को भी वही सिखाया साला। और जब उससे पेश नहीं भरा तो एक कच्ची शराब का धंधा शुरू करना पड़ा। वो भी ठीक से कहाँ करने देता है ये कुतरिया लोग। कहते हैं कि दारू का धंधा करना है तो इन गांव वालों की मुखबिरी करो। पेट के खातिर वो भी किया लेकिन गांव वालों ने मार मार कर कुत्ता बना दिया तनु। लेकिन अभी अपुन को पांडे से बोल देगा क्या? पांडे अपुन से ये नहीं होगा। गांव वाले मेरे को मार डालेंगे, मेरी बीवी को मार डालेंगे, अपुन नहीं करेगा मुखबरी। अरे क्या करेगा वो, दारू का धंधा ही बंद कराएगा ना, बंद कर देंगे। अरे भीख मांग लेंगे तनु, अपुन के माँ बाप मांग के देगा, अपुन भी मांग लेंगे। क्या कहती है तनु? क्या फर्क पड़ता है तनु, अपुन के माँ बाप मांग के दे, अपुन भी मांग लेंगे। क्या फर्क पड़ता है तेरे को? लोग मुझे अच्छी नजर से नहीं देखते, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या तनु, तू कोई माधुरी दीक्षित थोड़ी ना है। एल क्या चुप हो जाना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी साला। अभी मेरे को एक पौवा बना के दे तो गांव वाले भी मारते और तू भी नहीं सुनता। ए लाना पौवा देना मेरे को। अबे साली बैरी हो गई है क्या? कौवा देना भाग रहा हूँ, कब से पता नहीं चल रहा, मेरी जान जा रही है यार। अरे जितनी गाय वाली काटी है उसमें सारी को ही बिक जाता है। मैं क्या कर लूँ, उधर भाग चुका मैं, तू रुक जा, मैं तू रुक जा, तू रुक जा, तू रुक जा, मोटिया से सलम भरता भी नहीं है। ओ तनु तनु ऐसा क्या करती, एक बार दे देना तनु, तनु एक बार दे दे, फिर से नहीं मांगूंगा बस तनु। अरे एक बार दे दे, मेरी जान चली जाएगी तनु। ए तनु ऐसा क्या करती है तनु, एक बार दे दे। देती हूं, देती हूं। और सुन मेरे पैसे खत्म हो गए, 5 रुपए देना, मुझे बीड़ी लानी है। हाँ हाँ तेरा बाप जा भी खत्म नहीं करा है। यार क्या कसम खाए बड़ा सब। हाँ तनु जान जरा माचिस लाना। तनु माचिस ला, माचिस ला। यार क्या मैंने सुना है कि तूने गांव वालों की मुखबरी करना बंद कर दिया है। मारे तो मार खा लेकिन तुझे गांव वालों की मुखबरी तो करनी पड़ेगी। अरे नहीं साहब। तनु जान माचिस ले जाइए। ला 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 साहब, मेरे बीवी बच्चों का सोच लो साहब, ऐसा मत करो साहब। देख गिर क्या, तुझे गांव वालों की मुखबरी करनी पड़ेगी, रोज एक खबर मांगता है। नहीं साला साला खबरदार, साला साला करो साला, मेरी जान चली जाएगी साला। देख गिर क्या, तुझे गांव वालों ने रात के 3 बजे सिर्फ एक बार मारा है। हाँ सोच कि हम लोग तुझे रोज मारेंगे। हाँ और कहाँ कहाँ मारेंगे बता तुझे। अरे यार ये तेरी रोनी सकती ठीक है, तुम सोचता है तेरे लिए। अच्छा अच्छा धंधा भी करना है, गांव वालों की मुखबरी भी नहीं करनी। तो ठीक है, गांव वालों की मुखबरी भी मत कर और दारू का धंधा भी कर। अरे साहब, अरे साहब, अरे शुक्रिया, अरे आनंद से जलसे से मजे से अपनी बीवी के साथ रहे। मेहरबानी साहब, मेहरबानी साहब, बहुत मेहरबानी साहब। लेकिन रुकिया मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। अरे बोलो ना साहब, अरे क्या काम करना है साहब, अभी कुछ भी करना साहब, बोलो आप बोलो। सिर्फ एक काम करना है। अरे बोलो ना साहब, आपके साथ काम करना है, बोलो बोलो क्या करना है, बोलो। आप किस ऑर्गन? अरे बोलो ना साहब, बोलो। बात
साथ में मुकर तो नहीं जाएगा ना? नहीं मुकरूंगा साहब, बोलो आप क्या आपकी सौगंध? अरे बोलो साहब आप क्या करना है? बीवी की सौगंध? अरे साहब बोलो ना क्या करना है, मैं कर लूंगा कुछ भी। तो एक काम कर। हाँ सर। तेरी बीवी को आज रात थाने भेज। साहब आप उनकी बीवी के बारे में ऐसा वैसा नहीं बोलेगा साहब, साला आप उनका भी कोई इज्जत है साहब। ए साहब ये पारदी साला इज्जत की बात कर ला रहे। साला बात क्या कर रहा है, नंगा कर साले को। मानवली करनी है इधर, बुला फटाफट। अरे ये गंदगी आता है चल, है कचरा सारा है इधर का। साला पापी पुलिस के सामने इज्जत की बात करता है। सुनो ये मर्डर केस नहीं, क्या है? पुलिस एनकाउंटर। समझे? पैसा कितना देते हैं साहब? वो कंट्राक्ट हमको 100 रुपये देता है साहब। तो 100 रुपये में आपका घर चलता है? अरे आराम से साहब, सुबह का चाय नाश्ता दूध सब हो जाता है साहब, मजे से रहते हैं साहब एकदम। ये आप पत्थर तोड़ने का काम करते हो? हाँ। तो आपने अपना खुद का घर नहीं बनाया? अरे साहब जमीन कहाँ है तो घर बनाएंगे साहब। तो फिर ये जमीन किसकी है? अब ये जमीन सरकार की है। तो सरकार आपको परेशान नहीं करती? नहीं साहब, कभी परेशान नहीं करती, मजे से रहने देती आराम से। हाँ साहब। यहाँ का MLA कौन है? MLA साहब वो पाटिल साहब है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं वो? कभी कभी आते हैं साहब। यहाँ पर पानी सब आता है? अरे साहब एकदम 24 घंटे पानी आता है, बिजली की भी कोई समस्या नहीं साहब। मैं तो कुटिया लगा ये कुटिया वो पानी का ऐसे आता है ना सर? हाँ हाँ हाँ। दूध ले आऊँ, दूध ले आऊँगा हल्का, बिस्कुट भी ले आऊँगा, लेकिन साहब के लिए चाय बनाए साहब? खाना खाओगे? नहीं नहीं चाय चलेगी। मुन्ना रो रहा है। अरे मुन्ना शांत हो जाएगा, मैं बिस्कुट ले आऊँगा, दूध ले आऊँगा हल्का, तू चाय बना साहब के लिए। सर चाय बना, मस्त चाय बना। तो कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं साहब, एकदम मजे से आराम से रहते हैं हम लोग। आपको पुलिस भी परेशान नहीं करती? पुलिस कभी परेशान नहीं करती साहब, पुलिस एकदम अच्छी एकदम पुलिस है। लेकिन हाँ वो कभी कभी वो पीयर पर लोग को पकड़ने आ जाती है। अब आदमी दारू पिएगा दंगा करेगा तो पकड़ने की तो सही ना, अब दारू पीना तो गलत बात है ना? दारू पी सकते हैं? नहीं नहीं ना। लेकिन मैंने तो पढ़ा है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था 1871 में,
क्रिमिनल ट्रैक्स एक्ट, जिसके तहत सभी घुमक्कड़ जातियों को जन्मजात चोर माना था, गुनहगार माना था। और आप भारतीय हो ना, आप चालू रखे ना, तुम्हें से क्या सर? मैं भारतीय हूँ, चोर हूँ। साहब यहाँ पे कौन चोरी नहीं करता? आप चोरी नहीं करते भाई साहब? आप चोरी नहीं करते? आप लोग चोरी नहीं करते? ये सब चोरी करते हैं यहाँ पर, लेकिन चोरी करने के तरीके अलग होते हैं। साहब हम लोग इसलिए पकड़ा जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ 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 वो धब्बा लगा है चोर का, इसीलिए हम लोग पकड़ा जाते हैं। साहब चोरी सब करते हैं। तो ये धब्बा लगा है तो आपको पुलिस परेशान करती है? साहब कुछ दिनों पहले हमारी बस्ती में आपके जैसा एक साहब आया, मुझे बोला कि मुझे काम दिलाऊंगा परमानेंट। काम दिलाने के बहाने मुझे वो शहर में ले गया साहब। अब उस दिन हमारी बस्ती में पुलिस की रेड पड़ गई साहब, हमारी बस्ती वालों को बिना वजह मारा पीटा साहब। तब उस दिन मेरी बीवी घर में अकेली थी साहब, मेरी बीवी के साथ उस चार हरामियों ने क्या किया साहब, बताया आपको? ओ खाकी की था पारदी से, मैंने बार बार पूछा कि बता बता तेरा मरद कहाँ पर है, लेकिन साली एक बार भी नहीं बोली। साली को मिलके तीन तीन लोगों ने टोका, फिर भी कुछ नहीं बोली। ए पारधान, अभी भी बता दे कि तेरा मरद कहाँ पर है, वरना तू जानती नहीं कि मैं कितना हरामी इंसान हूँ। नहीं बताऊंगी। साहब ये पारधन बहुत फंकस कर रही है, मैं तो कहता हूँ साहब इसके अंदर मसाला थूको। जा जाके मिर्ची लेकर आ। साहब अभी आ गया साहब, ऐसे नहीं करनी है। नहीं नहीं हरामियों ने वो किया साहब। क्या किया? वो किया साहब। अरे इधर कैमरे में देखकर बोलिए क्या किया। तब मेरी बीवी घर में अकेली थी साहब, तब मेरी बीवी 3 महीने के पेट से थी साहब। तब मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखाने भी गया, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी साहब। और एक पुलिस वाला बोला कि साले हराम को और पार दी, तेरी बीवी के साथ जो हुआ वो तेरे साथ भी होना चाहिए। साबुन हरामियों का उससे भी पेट नहीं भरा साहब, तो हरामियों ने मेरी बीवी के वहाँ पे मिर्च डाल दी साहब। कहाँ मिर्च डाल दी? साहब मेरा 3 महीने का बच्चा साहब। कहाँ मिर्च डाली? इधर कैमरे की तरफ देख के बोलिए। मिर्च की जलन से साहब मेरा 3 महीने का बच्चा पिघल गया साहब, मर गया। कहाँ पर मिर्च डाल दी? साहब वहाँ मिर्च डाल दी। कहाँ डाल दी मगर मिर्च? उन उन मदर भगतों का उससे भी पेट नहीं भरा साहब,
मेरी बीवी को जंगल ले गए साहब और उसके मुंह पर मूत दिया साहब। मगर कहाँ मिर्च डाल दी? मेरी बीवी। अरे पर कहाँ मिर्च डाल दी? मेरा 3 महीने का बच्चा मर गया साहब, वहाँ मिर्च डाल दी साहब मेरी बीवी। लेकिन कहाँ पर मिर्च डाल दी? कहाँ डाली मिर्च? क्या ये मिर्च? मिर्च चक। अरे नहीं चक इसे। ए तू चक। अरे नहीं नहीं चक। अरे तू चक। अरे चक चको मिर्च लगाओ जबान पर। ए लगाओ मिर्च लगाओ जबान पर। लो चको लगाओ लगाओ मिर्च। ए तुम लगाओ, तुम लगाओ लगाओ मिर्च जबान पर। लगाओ मिर्च लगाओ मिर्च। अरे जबान पर मिर्च लगाओ। लगाओ मिर्च आप लगाओ भाई साहब लगाओ मिर्च। फट गई ना जबान पर तीखी मिर्च की जलन, सहन नहीं कर सके ना तो सोचो अंदर अंदर क्या हुआ होगा। 6 महीने तक मेरी बीवी के वहां मैं बर्फ किस तरह। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। हाँ अलका हाँ दूध लाए? हाँ मैं दूध ले आऊँगा, बिस्कुट भी ले आऊँगा, मुन्ना शांत हो जाएगा। हाँ हमारा 3 महीने का बच्चा मर गया और मेरी बीवी पागल हो गई। सबसे खतरनाक नहीं होगी पुलिस की मार, सबसे खतरनाक नहीं होगी गद्दारी, लोगों की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होगी। बैठे थे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, शहरी से जुर्म में चकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़पता सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर जाना सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। जो रोजमर्रा के कर्म को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर अंधकार के बाद विराट रूप में चलता है। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। हिंदुस्तान का हर एक घुमंतु और विमुक्त जनजाति का आदमी सिर्फ यही सोच रहा है, उसके दिमाग में सिर्फ यही सोच चल रही है कि क्या वो सेकंड क्लास सिटीजन है? क्या वो सेकंड क्लास सिटीजन है? क्या हम सेकंड क्लास सिटीजन है? क्या हम सेकंड क्लास सिटीजन है? हमें चाहिए आत्मसम्मान, हमें चाहिए आत्मसम्मान, हमें चाहिए आत्मसम्मान। अंकुर छारा, माइकल सिद्धार्थ छारा, दक्षिण छारा, वैशाख राठौड़, आयुष छारा, प्रियंका छारा,
अनीश सर।